वेलकम बैक सभी लोगों का नॉट गिव अ फ्लीट के एकदम ब्रांडी वीडियो के अंदर। और आज हम लोग जाने वाले वापस से कार फॉर सेल में, क्योंकि आज हम लोगों को लेनी है एक ऐसी गाड़ी ना तुम लोगों को जिसमें मजा ही आ जाएगा। सो गेट रेडी फॉर दैट। जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर देना, 50 के लाइक का गोल है। जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, जल्दी सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। दोस्तों 2 मिलियन की तरफ को जा रहे हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना। चलो चलते हैं फटाफट से और देखते हैं भाई आज हम लोग कौन सी गाड़ी लेने वाले हैं। भाई एक होता है टीन टप्पर, फिर आता है ये। मैं मजाक भी नहीं करूंगा यार, आज मेरे को एक नया घर भी लेना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। पता है सही बता रहा हूँ मैं, एक घर तो मैं भी डिजर्व करता ही हूँ यार, ठीक है। और बाकी मैं अपनी गाड़ी नहीं लेके गया था, मेरी पोर्खे द पोर्खे जी यार, जो मेरी पोर्श है वो मैंने ली नहीं थी लास्ट टाइम। सबसे पहले तो इसको भाई कूड़े को साफ करते हैं। इन लोगों ने एक ही दिन बताऊंगा मैं अच्छे से, ये जितना अपना कूड़ा यहाँ पर आके फेंक के चले जाता ना मेरी डीलरशिप में, भाई मुझे सब पता है। ये लोग बहुत तेज बन रहे हैं अपने आप को, ये वामू स्टोर के नाम पे मिट्टी डालना चाहते हैं, पर इनको पता नहीं है अभी कि भाई हल्का फुल्का ब्रांड नहीं है वामू स्टोर, ठीक है ना। चलो फटाफट से चलते हैं। सबसे पहले तो भाई देखो, हमें तो एक दिन यार GTR लेनी है, मजाक नहीं करूँगा यार, GTR खरीदनी है बस एक बार। पर यस, ये पोर्श भी बहुत कूल लगती है। सबसे पहला काम दिन का हम लोग अपनी पोर्खे में एक बार थोड़ा सा कपड़ा मार लेते हैं, ठीक है, इसको चमका देते हैं एकदम चमाचम। आज हमें इसका कलर भी चेंज करना है और बहुत सारी चीज़ें, पर मेरा मेन गोल होगा आज मेरे को ना कैसे भी फरारी लेने का मन है भाई, मैं मजाक नहीं करूँगा यार, मेरे को फरारी लेनी है। ला फरारी बहुत महंगी थी भाई, बहुत ज़्यादा महंगी थी, पर आई थिंक अब हम लोग कर सकते हैं अफोर्ड। मेरे को ऐसी फीलिंग आती है कि अब हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। बट सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगा ना, सबसे पहले मैंने देखा था पर मैंने वो करा नहीं, क्योंकि मैंने सोचा वीडियो में तुम लोगों के सामने करेंगे। अपनी डीलरशिप बहुत ज़्यादा कूल लगती है, अभी इसको और ज़्यादा अपग्रेड किया जा सकता है, और जगह बनाई जा सकती है, पर वो बहुत ज़्यादा महंगा आता है, 7.5 लाख का आता है। तो देखो हम लोग क्या करने वाले ना चेंज, अभी ये देख रहे हो ये फेंसेस, ये ना अच्छी नहीं लगती, इसकी वजह से ना बहुत पुराना पुराना सामने वालों का देखो कितना कूल लगता है। देख रहे हो पूरा वो हैच जैसी लगा रखी है सब कुछ एकदम, तो वो बड़ा कूल सा लगता है देखने में। तो अभी ना सबसे पहली चीज़ तो मैं डेकोरेशन ही करने वाला हूँ यहाँ पे। तो आउटबोर्ड में देखो सबसे पहले हम लोग इसको चेंज करेंगे। अब देखो या तो हम लोग वाइट फेंस लगा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा कूल लग रही है, सही बता रहा हूँ, अपग्रेड लग रहा है देख के ही। पर मैं सोच रहा था कि यहाँ पर ऐसे करते हैं, ये दिखने का बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है। देखो महंगा है, ठीक है, देखो हम लोगों का नॉर्मल तो ये है, $5,000 में हम ये कर सकते हैं, $10,000 में हम ये कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ इसको खरीद ही लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ज़मीन चेंज करने की बात आती है, तो थोड़ी सी ज़मीन को भी हम लोग देख सकते हैं कि अच्छी सी लगे। देखो अभी ऐसी है, ठीक है, अभी ऐसी है, याद भी ऐसा है, लेकिन ये और ये बहुत ज़्यादा मैच हो रही है, ये बहुत कूल लगा मेरे को, ये ऐसा लग रहा है सीमेंटेड प्रॉपर, समझ रहे हो। बस हमारी गाड़ी इसमें फिसले ना, मेरे को यही डर लग रहा है, ठीक है। दीवार देख लेते हैं हम लोग अपनी दुकान की, दीवार थोड़ी सी कुछ कूल सी, ये अच्छी लग रही है एक्चुअली, ये ऐसा लग रहा है जैसे वॉब्ड वुड से बना रखी है, वॉब्ड प्लैंक से, ठीक है, तो ये भी काफ़ी कूल लग रहा है। आई थिंक मैं इसी के साथ जाने वाला हूँ, वॉब्ड प्लैंक लगाएंगे अपने इसमें। ये तो बहुत ही गंदा सा लग रहा है, पता नहीं क्यों है और इतना महंगा क्यों है, वो भी मेन चीज़ है, ठीक है। बाकी भाई मैं ये कंटेनर तो चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बता दिया हम लोग तो घर ही लेंगे भाई, ठीक है। तो ऑफिस हम लोगों ने एकदम मस्त बना दिया, एक बार देख लेते हैं बाहर से कैसा लग रहा है। देयर वी गो, देखो कितना कूल लग रहा है ना भाई, लेजिट वॉब्ड बायोम जैसा ही लग रहा है। और ये देखो जमीन भी कितनी ज़्यादा मस्त हो गई है, अब हम लोग अपनी गाड़ी ला के यहाँ पे मस्त करके खड़ी कर सकते हैं। बाहर पे इतनी मस्त हैज आ चुकी है अब, ठीक है, जो हमारी बेसिकली मतलब बाउंड्री भी है, पर उसके साथ साथ दिखने का भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है इसकी वजह से। और मेरे ख्याल से ये परफेक्ट है, तुम लोग बताना ये सही में वॉब्ड बायोम जैसा ही लग रहा है पूरा, ठीक है। अभी हम लोग अपनी पोर्शे को पहले ले जाते हैं, पहले तो इसकी सबसे पहले ना स्पीड टेस्ट करनी है मेरे को, ठीक है। यार स्पीड वीड सब छोड़ो, इसकी आवाज़ क्या है यार, इस गाड़ी की आवाज़ क्या है भाई, मैं समझ भी नहीं आता मेरे यार। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेरे को पता है इसको मेरे को पहले अपग्रेड नहीं करना, मेरे को पहले इसको वो करना था, क्या कहते हैं उसे, पहले टेस्ट करना था, फिर मैं सोच रहा था इसको अपग्रेड करने रोकती थी मैंने, वो तो अच्छा रोक दी भाई, ठीक है। चलो मेरे को इसको पहले टेस्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ करवानी है, बस इसमें नॉस डलवाना है, इसमें नॉस नहीं है और कुछ नहीं डला रहा मैं, टर्बो वर्बो कुछ नहीं। हमारे तो किस्मत ही, हमें सुपरा इतनी कूल मिली थी कि उसमें सब कुछ डला हुआ था भाई, सब कुछ। तो मेरी सुपरा कितनी भागी थी, मेरे ख्याल से 297 भागी थी अपनी सुपरा मैक्स, राइट, 297 या ऐसी कुछ 300 के आसपास भागी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा है प्रॉपर। तो मेरे को देखना है ये पोर्शे कितनी भागती है भाई, क्योंकि गाड़ी तो ये भी क्रेजी है। लेट्स सी गाइस कितना जाता है, ठीक है। स्पीड रिकॉर्ड 19 वेल, ठीक है। सबसे पहले तो इसका नॉर्मल में 0 to 100 देखते हैं, ठीक है। नॉर्मल में एकदम मैंने कोई नॉस नहीं दबाई है, मैंने कुछ नहीं करा है, ठीक है। इसका नॉर्मल में 0 to 100 सुपरा से फास्ट है, क्योंकि सुपरा में 11 था आई गेस, राइट, इसमें 7.3 में हो गया। और अभी मैं नॉस नहीं मार रहा हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग कितनी स्पीड पकड़ सकते हैं, सुपरा ने 297 या 310 या ऐसा कुछ पकड़ी थी नॉस के साथ, इसमें बिना नॉस दबाए, मैंने एक बार भी नॉस नहीं दबाई है, ठीक है। ये ऑलरेडी 200 जा रही है, 226, हाँ ज़्यादा फास्ट नहीं जा रही है ऐसे भाई, डोंट टेल मी पोर्शे से ज़्यादा फास्ट है इसमें सुपरा,
ओ भाई भाई ये 911 का रह रहा है, बहुत तगड़ी गाड़ी है ये भी। ओ भाई साहब नो वे भाई, खत्म होने वाला रनवे खत्म है एट एनी पॉइंट। बट ये गाड़ी रपट नहीं रही है सबसे मेन बात, मैंने खाली डब्ल्यू दबाया, मुझे कोई कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है इस गाड़ी में। ओके आ गया भाई, इन गाड़ियों को ना अच्छे ब्रेक की जरूरत है। चलो ये तो रुक गई फिर भी, चलो अब नॉस के साथ ट्राई करते हैं। ये 7.3 भागी थी ये, ठीक है गाड़ी एकदम चकाचक है, सब कुछ सही है, लेट्स सी नॉस के साथ ये कितना जाती है। 0 to 100 कितनी जल्दी करेगी विद नॉस? 4.5 सेकंड में 0 to 100 कर लिए भाई। पोर्शे है तो बहुत फास्ट भाई, जो भी बोलो है। और ये जा रही है भाई, और अब मैं नॉस देते रहूंगा तो आई थिंक ये अपनी टॉप स्पीड ही ब्रेक करेगी। 300 पार तो ये आराम से जा रही है, मेरे को फीलिंग आ रही है एक बहुत तगड़ी। पर उसी के साथ साथ ना इसको नॉस के साथ कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा। अपना रिकॉर्ड तो तोड़ दिया इसने, ठीक है जो 288 इसने अभी भी बनाया था वो रिकॉर्ड तो गया। देयर वी गो, क्या ये 300 हिट कर पाएगी भाई? ये 300 ओके, इसकी टॉप स्पीड ही 300 है। ओके इसकी टॉप स्पीड ही 300 है, मतलब ये 300 से ऊपर नहीं जाती है। अबे यार अगर ये ऐसी ऊपर चढ़ जाती ना भाई गॉड बहुत कूल होता है यार। अगर ये ऐसी करते करते ब्रेक मारते मारते ऊपर को चढ़ जाती, क्या कूल लगता दिखने का भाई। चलो अभी चलते हैं फटाफट से और गाड़ी में थोड़ा सा काम वाम करवाते हैं। मैं तो बोलता हूँ इसको मैक्स आउट करते हैं, एकदम तगड़ी बनाते हैं इसको, ठीक है। जो जो इस गाड़ी में परफेक्ट बनाने के लिए इसमें डाला जा सकता है सब डालेंगे, ठीक है। रेसिंग किट यस सर, और उसका अच्छा ड्रिफ्ट किट भी है इसमें, देख रहे हो मेरे को पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं तो इसमें ड्रिफ्ट किट डली हुई थी इतनी देर से। ओके ठीक है, तभी सोचूं मैं यार ऐसा क्यों हो रहा है। TCS भी डालेंगे, ESP भी डालेंगे, टर्बो भी डालेंगे, टर्बो से तो बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। सस्पेंशन मेरे को देखो ज़्यादा आइडिया नहीं है सस्पेंशन का, तो मैं चेंज करूंगा नहीं, खराब करूंगा नहीं मैं सस्पेंशन को, ठीक है। और बाकी लाइट से आई डोंट थिंक सो फर्क पड़ता है, बट प्लेट में देखो, प्लेट में तो वामू की ब्रांडिंग चलनी चाहिए भाई, ठीक है ना, प्लेट में वामू की ब्रांडिंग चलनी चाहिए। तो ये अपग्रेड करेंगे, व्हील देख लेते हैं कुछ बढ़िया सा, अगर हम व्हील में कर पाएं तो ये लगवा लेते हैं, ठीक है। चलो 3000 के रिम डलवाए भाई गाड़ी में, क्या बात कर रहे हो तुम। इसको कलर करवाते हैं और इसका ना थोड़ा सा स्मूथनेस को कम करते हैं। हाँ ये सही है, इतना ठीक है। लेट्स गो गाइस, हमारी पोर्शे रेडी है, क्या कूल लग रही है भाई। अब ट्राई करते हैं इसकी टॉप स्पीड देखते हैं अब, ठीक है भाई। ये फॉरेस्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है यार, ग्रीनरी है ना। चलो नॉस के साथ लेट्स सी, 0 to 100 4.5 सेकंड्स था लास्ट टाइम, 0 to 100 तो 4.5 सेकंड्स ही है भाई। रेस ट्यून डाल दो, कुछ भी डाल दो, अब देखते हैं कि ये 300 स्पीड को पार कर पाएगी क्या। मुझे ये देखना है क्या ये 300 स्पीड को पार कर पाएगी, लेट्स सी। चल 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 चल, इससे पहले रनवे खत्म हो जाए अपने पास। ये रनवे लंबा लग रहा है मेरे को फॉर सम रीजन, या फिर गाड़ी बहुत फास्ट हो गई है अपनी। चल 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 चल, कम ऑन Come on, 300। हाँ ओके, तो रेसिंग किट डालने से तुम्हारी गाड़ी 300 जल्दी जाती। देखो अभी तक का रनवे खत्म भी नहीं हुआ है। ओ भाई साहब, अरे भाई साहब, एक और बार ट्राई करते हैं 0 to 100, ठीक है 4.5 सेकंड में। तो इसका मतलब रेसिंग किट इन सबसे आपकी गाड़ी इनिशियल ड्रैग तेज करती है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहता है जैसा था, है ना। 0 to 100 वो 4.5 सेकंड से ऊपर जा ही नहीं दिए, स्पीड वो 300 से ऊपर जा नहीं दिए। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से गाड़ी की स्पीड भी इतनी बढ़ती से बाकी चीज़ें लगाने से उसकी थोड़ी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। हाँ मुझे नहीं लगता है 300 क्रॉस करने वाली है। हाँ ये 300 पे ही रुकेगी, मेरे को फील आ रही है। बस और कुछ नहीं बढ़ता है इससे मेरे को जितना दिखा, ठीक है। उई, 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 मैं तुम लोगों को कमेंट पढ़े थे गाइस, मेरे को तुम लोगों ने बताया था कि यहां पर से एक बंदे से ये मिलता है राइट, टैबलेट मिलता है। मैंने इनसे जाके हैमर ले लिया था, मैंने कमेंट पढ़े, मेरे को पता लगा इनसे टैबलेट भी मिल जाता है। और ये देखो आगे जाके ये कुछ भी और है, और ये भी कुछ है, देखो क्या कूल लग रहा है भाई, ये आएगा आगे जाके। अरे यार ये चल गई, देखो अब मेरे पास टैबलेट है गाइस, अब मैं फोटोज़ खींच सकता हूँ गाड़ियों की फोटोज़ डाल सकता हूँ। लेट्स गो भाई,
एक बार रात को हमारी गाड़ी की फोटो खींच के देखते हैं, ठीक है? अच्छा ओके ओके माय बैड, जो इसके अंदर आ रहा है उतना ही आएगा, राइट? ठीक है, चलो चलो चलते हैं भाई, मिलते हैं तुम लोगों से बाद में। नॉस मारो नॉस। $3.5 लाख की गाड़ी चलाता हूँ मैं, समझ रहे हो? $3.5 लाख की गाड़ी चलाता हूँ और रहता हूँ यहाँ इसके अंदर। $3.5 लाख की गाड़ी चला के इसके अंदर रहता हूँ मैं, अपनी पोर्शे लेके चलते हैं। ठीक है चलो अपनी पोर्शे लेके चलते हैं और जाके देखते हैं भाई क्या हमें एक फरारी मिल पाएगी यहाँ पे, क्योंकि मैं मजाक नहीं करूँगा। मेरे को लगता है फरारी पोर्शे से ज़्यादा तेज़ तो होनी चाहिए, ठीक है? और मेरे को कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं फरारी ढूंढना है तो आई डोंट थिंक सो कि लोगों को फ़र्क पड़ना चाहिए कि मैं कौन सी गाड़ी चला रहा हूँ। उनको पहले से ही पता है कि अगर मैं फरारी ढूंढना आया हूँ सो आई एम रिच। 53,000 की है, मैं बार्गेन करना चाहूँगा मैडम से, हम लोग इसको 39,000 में खरीद लेंगे आपसे मैडम। 39,000 इज द बेस्ट प्राइस दैट ओके। 41,999, आपको पता है ये ऑफर जो है ना, ये मैं बहुत कम लोगों को देखता हूँ कि आप क्यों जी यार ओके कितने का बेचने के लिए तैयार है मैडम? 44,999, 9,000 रुपये की डिस्काउंट मैडम। ये प्राइस ना मैं सिर्फ क्यूटीज को लगाता हूँ और आपको देख के मुझे देख रहे हो, मक्खन लगाना पड़ता है यार इनको, पता है तुम्हें? इनको मक्खन लगाना पड़ता है भाई, डैमेज है ना थोड़ी सी। चलो इसको भेज दो वहाँ भाई, थोड़ा सा ना हल्का सा मक्खन लगाना पड़ता है यार। ओहो हेलो मैम, कैसी हैं आप? ओहो दिन से ज़्यादा तो आए चमक रही हो आज। 81,000 नहीं नहीं मुझे लगता है कि आपके कहने का मतलब था $70,000, है ना? सही बोला ना, सही बोला ना? 70,000 में देखा, आते ही कॉम्प्लीमेंट मारो मैडम को भाई, बोल दो मैडम अरे आप तो आज चमक रहे हो, आप तो आज ये करो, चाहे कैसी भी लग रही हो मैडम, ठीक है? तो उसके बाद वो सस्ती करती हैं और ये बात है भाई, सही में मजाक से हट के ये सच है भाई। देखो कोई भी अच्छी गाड़ी मेरी नज़र से छूटनी चाहिए, क्योंकि सीधी बात है इन द एंड ऑफ द डे हमें बहुत सारा पैसा कमाना है, तो हम लोगों को थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा। नाइस, अच्छी गाड़ी है, इसका मतलब महंगी गाड़ी है, ठीक है? मैं समझा नहीं, रॉक की R7 कौन सी गाड़ी है? रॉक की R7 मैं समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ ये कौन सी गाड़ी है गाइस, किसी को कमेंट में आ रहा है अगर इसका नाम तो मेरे को बताना है यार। चलो छोड़ो, आई डोंट थिंक सो, यहाँ पे और गाड़ियाँ हम लोगों ने जितनी लेनी थी इन लोगों से, तीन गाड़ियाँ हमने फिर भी इस जगह से ले ली हैं, जो हम लोग अच्छा टर्नओवर करें, क्योंकि सीधी सी बात है हम अगर फरारी लेनी है तो हमारे पास जेब में पैसे तो होने चाहिए भाई, फरारी के लायक के पैसे तो होने चाहिए। देख रहे हो एक जमाना था हम यहाँ पे नंगे पैर घुमा करते थे, नंगे पैर जूते भी नहीं होते थे और ये सारे मुझको देख के हंसते थे, ऐसे कहते थे वो देखो वो आ रहा है थू, ऐसे करते थे। और आज देखो, आज देख रहे हो मैं आज पोर्शे में घूम रहा हूँ, ठीक है ना? ये देख रहे हो नॉस मार के ओवरटेकिंग कर रहा हूँ बेटे, किस्मत। अरे सॉरी भाई सॉरी, चल अड़ ले ओए। I wonder if you know that we're in the Tokyo. भाई ये तो टूट जाता था ना, इसने मेरी गाड़ी कैसे तोड़ दी यार, ये तो बदतमीजी है भाई, ये कभी टूट जाता है कभी गाड़ी तोड़ देता है। आओ इसी बात पे थोड़ा सा तेल भरवा लेते हैं। सबसे पहले ना मैं एक काम करता हूँ, मैं इन गाड़ियों को ना सही करा के वो करवा लेता हूँ, क्या कहते हैं उसे, एटलीस्ट इनको बेचने के लिए लगाते हैं ताकि कस्टमर्स भी आते रहे, उतने में हम लोग फरारी ढूंढने निकल पड़ेंगे, हमें कितने रुपए चाहिए वो भी पता चल जाएगा, राइट? अभी अपने पास $2.5 लाख है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मुझे चाहिए भी होंगे, बट ठीक है कोई बात नहीं। भैया जी मेरी गाड़ी को पेंट कर दीजिए, मेरी गाड़ी गंदी हो गई है, इसको भी थोड़ी बहुत पेंटिंग की ज़रूरत है, तो हम लोग वो कर लेंगे। वो वहाँ पर कूड़ा कबाड़ा गिरा हुआ, थोड़ा सा कूड़ा उठा लाते जब तक होता है, ठीक है? हम लोगों को बेसिकली ये स्क्रैप भी चाहिए होता है, मैंने देखा तुम लोग कमेंट, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि हम लोग यहाँ पे गाड़ी कैसे लगा सकते हैं। कहने का मतलब है हम लोग गाड़ी जिसको ठोक पीट के सामान निकालते हैं ना, मैंने हथौड़ा लिया है, इसमें बता रहे थे कि यूज़ फॉर ब्रेकिंग अप जंक इन द स्क्रैप यार्ड, बट यहाँ पे स्क्रैप यार्ड में जंक ही नहीं है, तो तुम लोग मेरे को बताना अगर बाई चांस तुम्हें पता हो तो मेरे को बताना कि यहाँ पे कैसे करते हैं जंक, कैसे लेके आते हैं यहाँ पे, या फिर खुद से आता है, फिर कैसे होता है मेरे को बता देना प्लीज, ठीक है? अगर हो सके तो फटाफट से अपनी गाड़ी को साफ करते हैं, इसकी फोटोज खींचते हैं और इन सबको लिस्टिंग पे लगाते हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने लैपटॉप करा, टैबलेट ले ही लिया है ना, तो टैबलेट आ ही गया है, तो फिर अब हम लोग कर सकते हैं फोटोज खींचने का काम। तो चलो टैबलेट निकालो, कैमरा एक्शन। बहुत ही गंदी फोटो ली है,
बट ठीक है, कोई बात नहीं। चलो गाइस अब इन सबको लगाते हैं। अच्छा मैं शायद से अब मेरे को ऑफिस के अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है, मैं यहीं से लगा सकता हूँ सब कुछ। भाई अपने लैपटॉप उंगली कैसी लग रही है? ला 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 ला, कौन सी गाड़ी लगाऊँ? ये वाली लगा देता हूँ। फोटो के अब इस गाड़ी की फोटो के है कौन सी है? काली वाली है ना ये शायद से, आई होप यही हो। ठीक है रुको, इसमें कलर बता देगा ना, ये कलर भी तो होगा। पेंटेड इन्वेंट्री देखो 70, ओ भाई 71,000 तक की बिक सकती है। रुक जाओ इसको हम लोग लगाएंगे ग्रेट कार। देखो ये तो भाई सेम है, ये तो हमेशा सेम रहेगा, पर इसका प्राइस जो है ना हम लोग 70,000 का लगाएंगे। ठीक है तो हम लोग 699 में ग्रेट कार करके लगा देते हैं। फिर अपनी दूसरी ओके दो गाड़ियाँ मेरे पास सेम है तो इसके बस कलर चेंज है। ठीक है तो ये वाइट वाली के भी लगा देते हैं, देयर वी गो। अब इसके हम लोग प्राइस देखो, प्राइस भी सेम ही होना चाहिए फिर, राइट? हाँ 70,000 तक की बिक सकती है तो हम लोग इसको 699 की लगा देंगे और यहाँ पे सेम से वो कर देंगे। और अब हमारी आती है मर्सिडीज कूपे की बारी। भाई ये जाती है ना महंगी, $1,36,000 तक की जाएगी तो हम लोग 136 तक की, तो हम लोग इसको 135,999 पे लगाएंगे। ठीक है 135,999 भाई महंगी लगाएंगे इस गाड़ी को। तो भाई जब महंगी जाती है तो लगाओ ना। अरे एक गाड़ी जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसी को मैंने वो नहीं लगाए फ़ोटोज़। भाई ये देखो ना क्या फ़ोटो खींची है इसकी, आए हाय 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 क्या कूल लग रही है भाई। कितना बताया था प्राइस? 136 ना, तो इसको हम लगाएंगे 135,999 की और यहाँ पे ग्रेट कार करके कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये देखो भाई लग गई हमारी तीनों गाड़ियाँ, आई होप हम लोगों को थोड़े अच्छे अच्छे पैसे मिल जाए। चलते हैं मार्केट प्लेस में, वहाँ पर जाके देखते हैं क्या हम लोगों को वहाँ पर फरारी मिल पाएगी या नहीं। और बाय द वे मैं अपना ऑफिस क्लोज करके आया हुआ, मेरे को पता है क्योंकि हम लोग अभी ऑफिस में है नहीं, फिर कस्टमर आते हैं छिड़के जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कस्टमर तो भी सही नहीं होती। गाड़ी खड़ी कर देते हैं यहाँ पर एंड एक बार चक्कर मार लेते हैं, क्योंकि देखो फरारी ना ज़्यादातर मेरे को दिखी है एक दो बार और आई डोंट थिंक सो आज वो दिन है। चलो एक मर्सिडीज कूप दिख रही है इसको ले लेते हैं। कितने रुपये मांग रहा है? 79,000 इज़ टू मच फॉर इट ब्रो, मैं तेरे को दूंगा 70,000 रुपये। जा 10,000 का मार्जिन भी रख रहा हूँ, 70,000 में गाड़ी बिक रही है, थैंक यू। ठीक है गाड़ी में डैमेज है? ओ डैमेज बिल्कुल नहीं है, डर्टी है बस गाड़ी। ओ माय गॉड ये कैसे मिल गया मुझे इतनी सस्ती? ये भाई ये गाड़ी कमाती है, ये गाड़ी कमाती है बहुत तगड़ा पैसा, इसको दो भाई 50,000 रुपये में दे दे भाई, प्लीज़ दे दे, प्लीज़ दे दे भाई, कम ऑन यार। नहीं कोई बात नहीं 54,999 देख 10,000 रुपये का तो फ़र्क रखना पड़ता है ना यार। कॉन्ग्रेचुलेशन द कार इज़ योर, थैंक यू भाई। डैमेज है गाड़ी में पर ये गाड़ी पैसा कमा के देती है भाई, ये गाड़ी बहुत तगड़ी है, मैं मजाक नहीं करूँगा, ये गाड़ी पैसा भी कमा के देती है। तो गाइज मैंने गाड़ियाँ तो देख ली बट टू बी ऑनेस्ट मैंने जितनी गाड़ी मैं खरीद सकता मैं खरीद भी ली, पर मुझे यार एक भी गाड़ी वो नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी, जो कि है फरारी भाई। सैडली हम लोगों को एक भी फरारी नहीं मिली है। सो ओ भाई यार ये गाड़ी यार क्या है ये पोर्शे भाई, इसके पटाखे सुनो कैसे मारती चलती है भाई ये गाड़ी, एकदम आवाज आती है बिल्कुल खतरनाक भाई। ये वाली गाड़ी तो देखो अपनी बिल्कुल भी डैमेज नहीं आएगी, ठीक है इसलिए मैंने इसको इंस्टेंटली ले लिया था। हाँ इसमें खाली डर्ट है, डर्ट तो यार ऐसे साफ कर देते हैं। तो गाइस ये दोनों गाड़ियाँ डैमेज अभी सही हो रहा है, ठीक है इनको मैं पेंट करके फटाफट से लिस्टिंग पे लगाते हैं और उसके बाद थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं, क्योंकि मुझे पता है फरारी महंगी ही आएगी भाई, तो इसीलिए इन दोनों को भी डैमेज के लगाते हैं। वाली गाड़ी भी मैंने लगा दी है, सो लेट्स गो, देखते हैं गाइस कितने की बिकती है, क्या हम लोग प्रॉफिट कमा पाएंगे इन गाड़ियों पे। तो गाइस ये तीनों गाड़ी भी आ चुकी है, फटाफट से जल्दी से इनकी फोटो के खींचते हैं मस्त करके, ठीक है और फटाफट से वेब पेज निकालते हैं और जाके इनको भी सेलिंग के लिए लगाया था। आई होप ये हमें अच्छा पैसा कमा के दे, क्योंकि ये गाड़ियाँ महंगी तो थी भाई। ठीक है पहले कूप की बारी आ जाती है, चलो ठीक है ये रही कूप की फ़ोटो और कूप की एक और फ़ोटो खींची थी मैंने, यही है कूप की फ़ोटो, हाँ यही 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 है, ठीक है ठीक है और ये दूसरी फ़ोटो हो गई इसकी। ठीक है देखो अब सीधी बात है, हमें पता है कूप तो भाई 35 इसमें बिक सकती है, 135,999 में इसको निकाल देते हैं और इसके साथ साथ ग्रेट कार चिपका देते हैं और फोटो तो हमने डाली दी है, देयर वी गो। ठीक है अब आते हैं दूसरी वाली की बारी, वो देख रहे हो बगल में फॉर सेल भी लिखा गया इतनी जल्दी। अब अगले में आते हैं ये कौन सी है, शेवले एस है ना, ये वही है ना शेवले एस, तो ये है तुम्हारी इस साइड वाली गाड़ी है ना, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, नहीं नहीं गलत फोटो लगा दी मैंने, ये है वो गाड़ी। ठीक है तो इसकी ये और एक साइड पोज, हाँ फ्रंट पोज खींचा था ये हो गया। ठीक है इसको भी सेल पर लगाया था, ये जाती 145, लेट्स गो गाइस, ये तो मैंने और जो और सस्ती खरीदी है शायद से,
ठीक है 145 की जाती है, तो हम इसको बिल्कुल एकदम परफेक्ट 145, अरे यार कहाँ प्राइस लिख रहा हूँ यार जल्दीबाजी में, इसको हम लोग 145 में ही बेचेंगे भाई, अगर ये निकल गई ना इतने में भाई यार तो बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारी, ठीक है। उसके बाद ये वाली गाड़ी आती है, ये भी बहुत कूल है दिखने की भाई, मज़ा ही आ गया इसको देख के, बट वही ग्रेट कार। और ये गाड़ी बिकती है 117 triple 9 में, ठीक है। ये महंगे प्राइस है इसके, बट वही है ना फिर हमने गाड़ी भी तो कितनी कूल बना के दी हुई है लोगों को। चलो अब टाइम है गाइज ऑफिस को खोलने का, और जैसे ही ऑफिस खुला लोग आने शुरू हो जाएंगे, तो जल्दी से गाड़ियों को ना एकदम चमका देते ताकि वो प्राइस पे गाड़ी साफ नहीं है उस पर ना करें, ठीक है, लड़ाई कि भाई गाड़ी साफ नहीं लग रही है ये वो ऐसे ना, फिर मज़ा नहीं आता है, तो गाड़ी एकदम चमचमाट रहेगी तो मज़ा आएगा। ये लो भाई ये क्या बात हुई, रात ही हो गई, रुक जाओ क्या पता ये हमारी कूप को अच्छे प्राइस में खरीदने के लिए आ जाए। 135 triple 9 नॉट बैड ब्रो, तेरे लिए मैं 30,000 की कर दूंगा, ये 130,000 मैडम, प्राइस बहुत तगड़ा है, यू मेड अ रियली गुड चॉइस भाई, खरीदी ली मैडम ने। चलो इसको देख लेते हैं, 70,000 का हमने लगाया, 36,000 की हमें बढ़ी है, ठीक है 70,000 का हमने लगाया, ये बढ़िया बंदा है, मुझे लग रहा है कि ये 64 triple 9 में तो खरीद लेगा, नहीं और बढ़िया भाई। चलो ठीक है अभी के लिए तो अपने ऑफिस को बंद करते हैं, और आज मैं अपनी पोर्शे से नहीं, आज मैं बस से जाऊंगा जल्दी जल्दी जाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को काम भी करवाना है ना जल्दी से यहाँ पर आके। ध्यान दो ना हम लोगों के पास अभी कितने रुपए पड़े हुए हैं, 2,30,000 आई थिंक हमारे पास इतने ही थे स्टार्टिंग में भी, तो सोचा हमने अभी चार गाड़ियाँ बची हुई हैं, ये सुधरेंगे नहीं भाई ये लोग, पता तुम्हें इनको कितना ही बोल लो तुम ये सुधरेंगे नहीं, ये सुधरने वाले लोग ही नहीं है। ऑफिस खोल लेते हैं भाई, ठीक है लोग आना शुरू हो, और कहीं कूड़ा तो नहीं पड़ा हुआ है ना। चलो फटाफट से साफ सफाई कर लेते हैं, अपनी कूप को भी साफ कर देते हैं, चमका देते हैं, यार हम लोग को पावर वॉशर मिल जाए ना जल्दी जल्दी तो मज़ा आए भाई उसके बाद। चलो फटाफट से चमका देते हैं गाड़ी को भाई हमारी डीलरशिप पे, मेरे को मिल गया, ओ यस, रुक जाओ चलो अब कूप को तो इसी से साफ कर देते हैं क्योंकि हो ही गई है ऑलमोस्ट क्लीन। चलो चलो चलो, ओ भाई वो वाला वो गाड़ी देख रहा है, इससे पहले गुस्सा हो जाए, रुको रुको रुको, आई ये खरीद लो भाई, देर वी गो गाइज, अब हम लोगों के पास पावर वॉशर आ चुका है। अबे ये क्या था, जमीन कैसे साफ कर लो भाई, ये कितनी जल्दी साफ करो देख रहे हो, व्हाट, और इसकी रेंज भी ज्यादा है भाई, देर वी गो गाड़ी क्लीन एकदम भाई, कितनी जल्दी कर दी इसने, व्हाट, कस्टमर खड़ा का खड़ा, अबे डोंट सेल, तू चले जा दोस्त, तू चले जा, तू बहुत ही ज़्यादा चीप बोले, इन लोगों से बार्गेन करके ही फायदा नहीं होता ना, क्योंकि ये लोग कुछ ज़्यादा चीप बोले तो ये लोग कुछ आगे भी नहीं आ पाएंगे। देख रहे हो अब देखो जैसे ये बंदा है, ये एटलीस्ट हमने 70,000 की गाड़ी खरीदी तो 1,00,000 देने के लिए तैयार है उसके, तो हम लोग इसको थोड़ा बहुत आगे खींच सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा इसको 30,000 तक का चले, अरे ये क्या हुआ, अच्छा फोटो खींची, 1,30,000 तक का आ जाए, ये बोलेगा नहीं भाई मैं नहीं कर सकता, ठीक है फिर मैं बोलूँगा चल ठीक है तेरे लिए सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 रुपये सिर्फ तेरे लिए, देखा ले ली ना, यही होता है तरीका भाई। ये वाली गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, इसको साफ़ कर लेते हैं, उससे पहले रुको जरा, ये वाले इस गाड़ी को ले रहे क्योंकि ये अभी साफ़ है तो बढ़िया है ना, 1,20,000 18,000 की बेच रहे, ये हुई ना बात, देखा ये मैडम है समझदार भाई, इनको अगर मैं बाई चांस 1,00,000 चलो इनके लिए सिर्फ, ठीक है 10,000 की भी बेचने जाऊँगा ना, ओ भाई ये क्या बेच रहे हैं, हेलो अभी हो जाता काम, 1,10,000 भी बोलूँगा तो ये देखा ले लेते हैं यार, इसीलिए तो थोड़ा बहुत वो भी प्राइस पे नेगोशिएट तभी करेंगे ना जिस समय यार तुम प्राइस के आसपास होगे, उसके बाद ये लोग करते ही नहीं है भाई, वही प्राइस बोलते रहेंगे, फालतू इतना पैसा थोड़ा ना मेरा फूकने के लिए कि मैं लॉस लूंगा गाड़ियों में। गाड़ी साफ हो जाए एक बार फटाफट से, इसको थोड़ा सा और फास्ट करना है, हमने एक और एक्सपीरियंस पॉइंट आएगा इसी में डालूंगा मैं। 1,45,000 की विक्री है बट सर बोल रहे हैं कि 18, ओ भाई उसके ऊपर पानी फेंक दिया ये, ठीक गंदा आदमी भाई, ये देखो 1,19,000 बोल रहे हैं, हम लोग इसको ट्राई करते हैं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं इसको 9,000 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है सीधे $9,000 का डिस्काउंट है दोस्त, देख रहे हो बोलना पड़ता है ना आपको कि सर हम आपको ये दे रहे हैं, अगर आप नहीं बोलोगे तो फिर उनको लगेगा कि नहीं नहीं भाई कुछ नहीं दे रहा है, समझ रहे हो, बोलना पड़ता है कि आपको इतना डिस्काउंट दे रहे हैं सर, सर हम तो आपको डिस्काउंट दे रहे हैं सर, लेट्स सी ये लोग कितने मिलेंगे। 70,000 की मैंने गाड़ी लगाई है और मैंने खरीदी भी महंगी है भाई, ये 45,000 में खरीदी है, सो लेट्स सी, मेरे को नहीं लगता कि ये बंदा आएगा बट ठीक है एक बारी को देख लेते हैं। ओ भाई ये क्या लगा रहे हैं, वो भी हो जाता काम, 15,000 में बेच देता है ये गाड़ी, 65,000 में लेगा क्या, नहीं ना रुको एक बार मैडम से ही बात कर लेते, क्या पता मैडम ऑलरेडी प्राइस अच्छे लगा रही हूँ गाड़ी के, देयर इज बेयरली एनी डैमेज ही नहीं है ब्रो, लेट्स सी ठीक है 64,999, अरे भाई ये क्या कर दिया तूने, 64,999 ठीक है
65,000 में लोगे क्या मैम प्लीज? नहीं ओके सर, तुम्हारे लिए सिर्फ ये गाड़ी को मेरे को एक्चुअली बेचना ही है करके, तो मैं आपके लिए इसको 60,000 का लगा रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं होगा। थैंक यू, निकलिए यहाँ से, चलो 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 भागो यहाँ से। जी यार गंदा आदमी। भाई तुम लोग को अभी तक दिख नहीं रहा था ना, बट ये देखो 6,54,055 ऑलमोस्ट भाई, ये हुई ना बात यार, अब आई ना बात। भाई देखो अपनी गाड़ी को तो मैं पावर वॉशर से धोता ही नहीं। ए मेरी गाड़ी डैमेज है, एक मिनट व्हाट, वो 1% का डैमेज और दिखने का देखो कैसा लग रहा है, 1% लग रहा है वो, ऐसा लग रहा है पूरा आगे का बोनेट ही चला गया वो। भाई ये कर लो तुम यार, भाई अब इससे साफ करना तब पता चला है कि वो पावर वॉशर कितना फास्ट है। चलो चलते हैं गाइज, ऑक्शन 12 बजे खुलेगा, आई होप हम लोगों को ऑक्शन में कुछ। ओ खुल चुका ऑक्शन, भगा 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 भाई, फरारी ना निकल जाए हाथ से यार। भाई 7,00,000 रुपये मैंने फरारी के लिए तो जमा करे ये, कमॉन कमॉन यस भाई कर देते। ये तो नहीं खरीदनी मैंने, ठीक है ये नहीं खरीदनी है मैंने। ओ एक्चुअली अच्छे प्राइस, नहीं 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 अंशु ध्यान दे ध्यान दे, तुझे सिर्फ फरारी लेनी, तुझे सिर्फ फरारी लेनी है, कमॉन। ना ना ये तो लेनी भी नहीं है मैंने। ओ भाई यहाँ ऑक्शन चल रहा है तगड़ा वाला, भाई इतने की तो ये गाड़ी बिकेगी भी नहीं जितना ये कर रहे हैं। 88-90 2,00,000 की गाड़ी ये इतनी बिकेगी इतनी महंगी? भाई तुम कर लो पहले, ये गाड़ी खरीद लो भाई, तुम जाए ये गाड़ी भाई, दूसरी तीसरी गाड़ी आए प्लीज़ भाई प्लीज़ यार, एक फरारी तो बनती है यार, एक फरारी तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। ये लोग सोचेंगे साफ सफाई वाला आ गया, भाई नहीं भाई पूरा डीलरशिप है, आइए कभी वामू स्टोर पे दिखा दूंगा आपको, ऐसा डीलरशिप कहीं नहीं देखा होगा। भाई कितने की लोग है, $2,20,000 जा चुके हैं ये लोग, पागल हो रहे हैं क्या? अबे लोग ऑक्शन में पागल हो जाते हैं क्या? देखो तो सही एक बार, ये 2,24,000 बिक गई। अबे ये कौन सी गाड़ी है, तो गंदी लग रही है बहुत, देखूँ जरा कौन सी गाड़ी है, उंडे फुंटे सेंट्राफा। चलो ये अगर इतने की मिल रही है तो मैं भी बिडिंग कर ही लेता हूँ, ये तो महंगी जाती हैं, 40-50,000 में बेच सकते तुम इस गाड़ी को। अरे छोड़ दो भाई, अंडे में कोई, अरे हर बार कोई आखिर में जाके बिड लगा दे रहा है ये, ए भाई कोई बहुत बदतमीज बंदा है जो ये आखिर में जाके बिड लगा रहा है भाई, मैं ना ये नतासिया को ना चप्पल ही चप्पल मारूंगा भाई, लेने देना, इतनी महंगी कर दी, सस्ते में मिल जाती। अब ये कौन सी गाड़ी है भाई, फियाट मिनी लेने आया हूँ मैं, यहाँ मैं यहाँ फियाट मिनी लेने आया हूँ, मैं फरारी लेने आया हूँ यहाँ। लो भाई खत्म करो तो इसको, छी भाई यार ये खत्म करे भाई। तो गाइज मैं मजाक नहीं करूंगा, इतना ज्यादा मैं परेशान हो चुका हूँ एट दिस मोमेंट ना, मैंने हर जगह पे देख लिया भाई मैं। अरे भाई साहब ये देखो मेरी मेरी, मैं बता रहा हूँ ना इनके लिए हद हो रही है भाई, ये लोगों ने देखा मेरी पोर्शे के पीछे से कूड़ा डाल के रखा हुआ था, अभी अगर वो बाई चांस आ जाता तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी कम है पता है तुम्हें? गंदे लोग भाई गंदे लोग। अभी हम लोग जाते हैं फटाफट से एक बार नेबरहुड में जाके अपनी, एक बार देखते हैं भाई फरारी आ गई होगी तो मज़ा आ जाएगा भाई, फरारी महंगी गाड़ी है मुझे पता है पर यार रेयर भी होती जा रही है भाई, आई नहीं रही है यार, आई नहीं रही। मैंने लैम्बो देख ली, सोचो मेरा मन कर गया यार लैम्बो लेने का, मैंने कहा लैम्बो ले लेते हैं भाई क्या गाड़ी लग रही, फिर मैंने कहा नहीं यार अगर मैंने बात करी है फरारी की तो लूँगा तो फरारी ही मैं भाई। तो चलो अब चलते हैं फटाफट से एक और बार नेबरहुड का चक्कर लगा, नेबरहुड में मिलने वाली है, मैं खाली चले जाता हूँ लेजिट, मैंने नेबरहुड में अभी तक का सुप्रा के ऊपर कोई गाड़ी नहीं देखी, सुप्रा एक लास्ट फाइनल स्पोर्ट्स कार थी जो वहाँ पे मेरे को दिखी थी, उसके बाद मैंने कोई गाड़ी नहीं देखी नेबरहुड में एक भी ढंग की, ये तो वो है ना बार है ना इधर, तो क्यों जा रहा हूँ मेरे को नहीं पता नेबरहुड में, पर मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को भरोसा है कि क्या पता गलती से दिख जाए, यू नेवर नो, क्योंकि कहीं और तो दिख नहीं रही है भाई, इवन उसमें भी नहीं आ रही, ऑक्शन में भी नहीं आ रही, दो ऑक्शन। अरे भाई यार यार मुझे लगता है कि यार अब तो मेरे पास $7,00,000 है यार, ज़्यादा से ज़्यादा 6,00,000 के आ जाएगी, 5,00,000 के आ जाएगी सुप्रा, मैं सॉरी सुप्रा कह रहा हूँ फरारी यार, अब मैं मुझे लगता है कि मेरे को नहीं सोचना चाहिए ज़्यादा यार, अब मैं ले रहा हूँ यार ये मैं ले रहा हूँ भाई, मुझे चाहिए मैं ले रहा हूँ भाई, बात खत्म, मैं इसको अपने लिए बनाऊंगा, इस सुप्रा को मैं अपने लिए रखूंगा, कलर अपना करूंगा, गाड़ी को अपना बनाऊंगा, इतनी तगड़ी गाड़ी बनाऊंगा ना ये तुम देखते रह जाओगे भाई, ये पोर्शे बीट करेगी तुम देखो बस भाई। चलो ये तो मेरी गाड़ी बनेगी ये वाली सुप्रा भाई, अच्छा हुआ चलो अच्छा हुआ कुछ के हम लोग आगे नेबरहुड में भाई, अच्छा ही हुआ भाई, ये तो मेरी सुप्रा है अब भाई, बात ही खत्म भाई। अब उस टाइम पे पैसे नहीं थे उसकी वजह से मेरे को भाई ये खरीदनी थी, मेरे को पोर्शे खरीदनी, सीधी बात है ये पोर्शे बेटर है सुप्रा से। अरे कैसे चला रहे हैं भाई, अरे 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 भाई उस टाइम पे मेरे को भाई पोर्शे लेनी थी इसलिए मैंने अपनी सुप्रा से कॉम्प्रोमाइज़ किया, पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और एक और चीज़ रुको जरा, ये गाड़ी भाई ये
ये भाई कहीं पे भी मर्सिडीज कूपे दिखे ना भाई ले लो भाई, ये गाड़ी पैसा छापने की मशीन है भाई। 80,000 रुपये में ले लो प्लीज, थैंक यू। गाड़ी में कोई टेंशन है भाई? टेंशन है बिल्कुल है। चलो भाई मेरे को नहीं लगता गाइस कि यहाँ पर कुछ भी है, ठीक है। नेबरहुड में यार वही है ना, नेबरहुड में इतनी ज़्यादा लग्जरी गाड़ी मिलेगी जहाँ ट्रक रक बीच रहे हैं वहाँ पे? मेरे को नहीं लगता ये लोग फरारी वरारी रखेंगे भाई। चलो देखते हैं, द कार मार्केट इज़ ओपन लिखा रहे, एक बार देख आते हैं। अगर कार मार्केट में कुछ मिल जाता है तो बढ़िया है, वहाँ भी नहीं मिलता है तो फिर मैं तो भाई ट्राई करता रहूँगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें फरारी दिखा रहा हूँ, मतलब फरारी दिखा रहा हूँ भाई, मुझे लेनी है, मतलब लेनी है। चलो भाई भगाओ भाई, परखे परखे। चलो कार मार्केट तो खुली है, चलो बढ़िया। मुझे लगा खाली ना बोल रहे हो कि कार मार्केट खुली है, गाड़ी बंद नहीं भी हो गई, ठीक है यार। ये पोर्शे भी क्या लगती है यार, एक मिनट रुको, हाँ इसके साथ एक फ़ोटो की। भाई मैं मजाक नहीं करूंगा, मैं सोच रहा था अपनी पोर्शे की फोटो खींचता हूँ। फरारी कितने की दोगी भाई? फरारी FF430 दे रही है 360,000 रुपये की। भाई पागल है क्या? मेरे को अपना वो भी तो अपग्रेड करना है। देखो सुनो, ये गाड़ी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, 330,000 में डील डन कर दो यार प्लीज। यो यो 330,000 सही में ये हमारी फरारी है गाइस, ये हमारी फरारी है बॉयज। भाई ये हमारी फरारी है गाइस, ओ भाई लेट्स गो। सो भाई मैं इसको सबसे पहले तो टो करवा रहा हूँ, क्योंकि ये गाड़ी हम लोगों को सही करवानी पड़ेगी पहले, ठीक है। ये पूरी हम चकाचक करवाएंगे। यहाँ पे देख रहे हो ऑडी टीटी और भी बहुत सारे, ओ पोर्शे एक और, ये कितने की बेच रहा है? सस्ती बेच रहा है, 2.5 लाख रुपए पड़े मेरे पास। ओ सच्ची बेच रहा है सस्ती, भाई ले लेते हैं, अगले एपिसोड में बेच देंगे। क्या हो रहा है दिक्कत भाई? दोबारा आए ना आए यू नेवर नो राइट। भाई 1,20,000 रुपये में दे रहा है तो दे दे, वरना मैं जा रहा हूँ अभी, ठीक है मुझे जाने। अरे दे दी भाई सही, हाय 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 क्या है, गाड़ी ठुकी है दिख तो रही। ओ भाई 50% डैमेज इसीलिए दी उसने भाई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसको भी रख देते हैं भाई। यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ देख, ऑडी आर एट है क्या यहाँ? कितने की ले? 340,000 डॉलर की। भाई मुझे बताना गाइस, कमेंट में बताओ क्या हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ऑडी आर एट खरीदें। भाई क्या लग रही है ये गाड़ी भी भाई, लेकिन पहले तो घर चलो पड़ा भाई। प्लीज़ मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ऑडी आर8 खरीदे अपने गैराज के लिए। भाई ये गाड़ियाँ मेरा लिटरली बैंक बैलेंस साफ कर रही है, मैं तुम्हें साफ बताऊँगा, ये गाड़ियाँ मेरा बैंक बैलेंस चकाचक क्लीन कर देंगी एकदम, आउट ऑफ मनी, ठीक है, सामान उससे नहीं, अच्छे से नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये मेरा पूरा पैसा खा जाएंगी। बट भाई साहब ये पोर्शे देख लो तुम, और अभी बाहर खड़ी है हमारी एक और पोर्शे। ये तो बेचने के लिए लिया मैंने, इसको तो बहुत डैमेज है भाई, इसका रूफ डैमेज है, इधर देखो डोर पे तो नहीं है, चलो बोनेट पे पूरा डैमेज आया हुआ है। और उसके बाद ये आती है अपनी फरारी, ले बेटे फाइनली। मेरे को सच्ची में इसको टेस्ट करना है, 0-100 सारी चीज़ें क्या पोर्शे से फास्ट करती है, क्योंकि कायदे से करना चाहिए देखो, ठीक है। Like, Ferraris are built different, भाई मजाक से हट के भाई, Ferraris proper race cars हैं, proper race cars, मतलब ऐसा नहीं Porsche नहीं है, बट वही वाली बात है, Ferrari यार फिर Ferrari है भाई, वो वाली बात जाती है। Finally guys हम लोगों के पास एक Ferrari है भाई, इसको सही करेंगे, अपने मन का कलर कराएंगे और इसको पूरा मॉडिफाई करवाएंगे, बट अगले एपिसोड में। अभी तो भाई हम लोग अगले एपिसोड में ये भी बेचेंगे, हम लोग के पास अपनी खुद की एक सुपरा भी आ चुकी है, ये याद रखना गाइस, हमारे पास अपनी खुद की एक सुपरा आ चुकी है, तो इसको भी हम अपने हिसाब से बनाएंगे अगले एपिसोड में। तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में अगर तुम लोग रेडी हो और एक्साइटेड हो टू सी हमारी फरारी मैक्स मॉडिफाई होते हुए देखने के लिए। भाई क्या लग रही है देखो ये।